जबलपुर में इन दिनों 8 दिवसीय संस्कार शिविर आयोजित किया गया है, जिसमें पूरे प्रदेश से लगभग 450 से अधिक शिविरार्थी जैन दर्शन के साथ नैतिक शिक्षा का पाठ पढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर अपने नाम को सार्थक करती नजर आ रही है। नगर के ग्रीन वैली स्कूल में जैन युवा फेडरेशन के तत्वावधान में 8 दिवसीय बाल संस्कार आवासीय शिविर का आयोजन चल रहा है। पूरे प्रदेश से लगभग 450 विद्यार्थी शिविर में आकर जैन दर्शन के साथ नैतिकता का पाठ पढ़ रहे हैं। सुबह से ही ध्यान योग के साथ इसकी शुरुआत होती है, जो देर रात्रि तक विभिन्न प्रकार के संस्कारों के साथ पूर्ण होती है। जबलपुर में हमारा ये 8 दिवसीय आवासीय बाल संस्कार शिविर चल रहा है, जिसमें अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के तत्वावधान में हमारा ये 14वां शिविर है। आदरणीय बाल ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी, जैन साहब पंडित राजेंद्र कुमार जी, सैनिक जी, ब्रह्मचारी मनोज जी और तमाम हमारे जबलपुर के जितने विद्वतगण शास्त्रीगण हैं, वे लगभग 450 शिविरार्थी वो यहाँ अध्ययन करा रहे हैं। प्रातः ध्यान योग से लेकर 5:30 से रात्रि 11 बजे तक कक्षाएं और जैन दर्शन का बीजारोपण इसमें किया जाता है। बच्चों का आवासीय शिविर में एक विशेष उपलब्धि है कि 450 बच्चों के अभिभावक भी कुछ जो हैं जिनवाणी का अध्ययन करते हैं। आदरणीय सुमत प्रकाश जी के विशेष व्याख्यान और बच्चों को संस्कारों का बीजारोपण इस शिविर में किया जा रहा है। शिविर में पंडित राजेंद्र कुमार जैन, बाल ब्रह्मचारी पंडित सुमत प्रकाश जी जैन, ब्रह्मचारी श्रेडिक जैन, ब्रह्मचारी डॉक्टर मनोज जैन, पंडित विराग शास्त्री सहित फेडरेशन अध्यक्ष संजय जैन खेल खेल में शिविरार्थियों को जैन दर्शन का ज्ञान दे रहे हैं। जैन फोकस के लिए जबलपुर मध्य प्रदेश से दीपक राज जैन की रिपोर्ट।